हेलो एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज। इंडियन हिस्ट्री हम कर रहे थे। इंडियन हिस्ट्री में हमने जो लास्ट वाइस जो हमने डिस्कस किया था कैनिंग तक हम जो है वो कर चुके थे। अब कैनिंग के बाद अपने इस इंडियन हिस्ट्री को लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। कैनिंग के बाद जो नेक्स्ट वाइस थे वो थे एल्गिन फर्स्ट। कब तक वाइस रहते हैं? 1862 तक कैनिंग थे। 1862 से लेके 1863 तक एल्गिन फर्स्ट रहते हैं। अब एल्गिन फर्स्ट के टाइम में क्या होता है, एक साल में रहते हैं, कुछ ज़्यादा इनके टाइम में कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये कि वहाबी मूवमेंट को सप्रेस किया जाता है इनके टाइम में। वहाबी मूवमेंट वाज सप्रेस्ड ड्यूरिंग हिस टाइम। वहाबी मूवमेंट को एल्गिन फर्स्ट के टाइम में जो है वहाबी मूवमेंट को सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट जो इसके बाद जो आते हैं, नेक्स्ट वाइस है या गवर्नर जनरल जिन्हें कहें हम, नेक्स्ट जो वाइस आएंगे तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आएंगे इसके बाद जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट वाइस है जॉन लॉरेंस रीन है। इनका रूल रहता है जो 1864 से लेके 1869 तक। अब 5 साल ये रहे। इनके टाइम में बहुत सारी जो है वो चेंजिंग आती है, बहुत सारे रिफॉर्म आते हैं, बहुत सारे इवेंट होते हैं इनके टाइम में। 1865 में भूटानिस वॉर, भूटान वालों के साथ इनकी वार होती है 1865 में इनकी भूटान वालों के साथ वार होती है 1866 में। क्या होता है, बंगाल फैमिन होता है ओडिशा में। 1866 में क्या होता है, ओडिशा में फैमिन होता है, फॉलोड बाय ए सीरीज ऑफ ड्रॉट एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ राइस क्रॉप। ओडिशा में फैमिन आता है और फैमिन के बाद क्या होता है, साथ में ड्रॉट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, राइस क्रॉप जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि फैमिन के बाद जब ड्रॉट आता है उसके बाद फिर क्या होता है, दोबारा से डिवास्टेटिंग बहुत ज्यादा जो है ओडिशा में फ्लड आते हैं। द फैमिन वाज फॉलोड बाय डिवास्टेटिंग फ्लड्स विच क्लेम्ड द लाइफ ऑफ 40 to 50। इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। फैमिन होता है, फैमिन जैसे ही होता है उसके बाद सूखा पड़ता है, राइस क्रॉप डिस्ट्रॉय होती है, उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे जो है फ्लड्स आते हैं विच क्लेम द लाइफ ऑफ 40 to 50 lakh pupils। 40 to 50 lakh pupils इन 2 years, 2 साल के अंदर 40 से लेकर 50 लाख तक लोग जो हैं इस फैमिन इन फ्लड्स की वजह से और सूखे की वजह से जो है उनकी मौत हो जाती है। और उससे फैमिन के बाद होता ही है कि बीमारियां फैलती है। कौन कौन सी बीमारी फैलती है, मेनली ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ मलेरिया एंड कॉलरा। कौन कौन सी बीमारियां फैलती है फैमिन के बाद, मलेरिया और कॉलरा फैलती है, जिसके बाद जो है तकरीबन 40 से 50 लाख लोगों की मौत हो जाती है 2 साल के
अंदर अंदर। अब इनके टाइम में क्या होता है, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो एस्टैब्लिश होता है, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वॉल इस्टैब्लिश्ड। इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस्टैब्लिश होता है जैसे टैली। अब इनके टाइम में क्या होता है कि टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन है उसे ओपन किया जाता है यूरोप के साथ। पहले मैंने आपको कहा था टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन के बारे में, अपने पढ़ा चुका हूँ मैं आपको इंडिया में कहाँ कहाँ पे उसे कनेक्ट किया जाता है, किन किन सिटीज के साथ। अब टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन यह क्या होता है, ओपन होता है यूरोप के साथ। टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन वॉज ओपन विद यूरोप। यूरोप के साथ जो है टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन को ओपन किया जाता है, यूरोप के साथ टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन किया जाता है। और नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स इस्टेब्लिश होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कौन सा डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। और क्या होता है, और ही वॉज ए मेंबर ऑफ पंजाब बोर्ड। ये मेंबर होते हैं किसके, पंजाब बोर्ड के। ही वॉज ए मेंबर ऑफ पंजाब बोर्ड आफ्टर सेकेंड एंग्लो सिख वार। सेकेंड एंग्लो सिख वार के बाद इनको मेंबर बनाया जाता है, किसका, पंजाब बोर्ड का। और ये अपने आप को क्या कहते हैं, ही एक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द सेवियर ऑफ पंजाब, सेवियर ऑफ पंजाब। अपने आप को क्या कहते हैं, ये अपने आप को सेवियर कहते हैं पंजाब का, बता दिया मैंने आपको कहां तक, जॉन लॉरेंस तक। क्या होता है, भूटान वार होती है, उड़ीसा में फैमिन आता है, फैमिन के बाद सूखा पड़ता है जिसकी वजह से राइस क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, फिर फ्लड्स आते हैं, फ्लड्स की वजह से 40-50 लाख लोग मारे जाते हैं। क्यों मारे जाते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, मलेरिया और कॉलरा जो है वो आउटब्रेक होते हैं, बीमारी फैल जाती है बहुत ज़्यादा। इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश होता है, टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन को ओपन किया जाता है, किसके साथ, यूरोप के साथ। डिपार्टमेंट इंडस्ट्री और कॉमर्स का इस्टेब्लिश होता है, और ये मेंबर होते हैं पंजाब बोर्ड के आफ्टर सेकेंड एंग्लो सिख वार के बाद इनको मेंबर बनाया जाता है पंजाब बोर्ड का। और ये अपने आप को एक्लेम कहते हैं, क्या, अपने आप को कहते हैं कि सेवियर ऑफ पंजाब। और इनके टाइम में क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ कैनल वर्क और रेलवे, कैनल्स को भी बनाया जाता है और रेलवे के वर्क को भी क्या किया जाता है, जो रेलवे लाइन होती है उनको भी एक्सपेंड जो है किया जाता है, एक्सपेंशन ऑफ कैनल वर्क एंड रेलवे। एक्सपेंशन ऑफ कैनल वर्क एंड रेलवे, इन दोनों वायसराय के बारे में आपको समझा चुका हूं। अब इसी लेक्चर में हम दो एक वायसराय और देखते हैं, मैं आपको जो है डिटेल से बता रहा हूँ, डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए आप उसे जो है वो मिस ना कर सकें। इसीलिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप जब भी मैं नोट डाउन कर रहा हूँ आप भी मेरे साथ साथ नोट डाउन करें। आप जॉन लॉरेंस के बाद अब जो नेक्स्ट आते हैं वायसराय वो है मायो। नेक्स्ट आते हैं क्या, मायो, लॉर्ड मायो, लॉर्ड मायो। रूल है इनका 1869 से लेके 1872 तक, लगभग 300 साल रहते हैं वायसराय इंडिया के। अब मायो के टाइम में क्या होता है, मायो क्या करते हैं, इस्टैब्लिश करते हैं कॉलेज, इस्टैब्लिश्ड राजकोट कॉलेज। कौन सा कॉलेज इस्टैब्लिश करते हैं, राजकोट इस्टैब्लिश्ड
राजकोट कॉलेज एट काठियावाड़, काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज इस्टेब्लिश करते हैं। काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज को इस्टेब्लिश किया जाता है एंड मायो कॉलेज एट अजमेर, और अजमेर में कौन सा कॉलेज इस्टेब्लिश करते हैं? मायो कॉलेज। मायो कॉलेज एट अजमेर, अजमेर में कौन सा कॉलेज है? मायो कॉलेज एट अजमेर वाज इस्टेब्लिश्ड, मायो कॉलेज अजमेर में इस्टेब्लिश किया जाता है किसके लिए? फॉर इंडियन प्रिंसेस, इंडियन प्रिंसेस के लिए, फॉर इंडियन प्रिंसेस, इंडियन प्रिंसेस के लिए जो है मायो कॉलेज को अजमेर में इस्टेब्लिश किया जाता है। और इनके टाइम में क्या होता है? सेंसस पहली बार इनके टाइम में हेल्ड होता है, जो मॉडर्न सेंसस होता है। सेंसस फर्स्ट टाइम सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन 1872। 1872 में पहली बार इंडिया में क्या होता है? सेंसस किया जाता है और इन्हें मार दिया जाता है। ही वाज द फर्स्ट वायसराय, ये पहले ऐसे वायसराय होते हैं जिन्हें इनके ऑफिस में ही मार दिया जाता है। ही वाज द फर्स्ट वायसराय टू बी किल्ड इन ऑफिस बाय शेर अली अफरीदी। इन्हें मार देता है कहां पे? इन सेलुलर जेल ऑफ पोर्ट ब्लेयर 1872 में। पहले ऐसे वायसराय होते हैं जिन्हें ऑफिस में मार दिया जाता है बाय शेर अली अफरीदी, इन कहां पे? इन सेलुलर जेल, इन जेल ऑफ पोर्ट ब्लेयर 1872 में इन्हें जो है वो मार दिया जाता है मायो। अब मायो के बाद जो लास्ट वॉरियर जरूर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है नॉर्थ ब्रुक। नॉर्थ ब्रुक 1872 से लेके 1876 तक, नॉर्थ ब्रुक के टाइम में अब क्या क्या होता है? नॉर्थ ब्रुक के टाइम में होती है कुका मूवमेंट ऑफ 1872। 1872 में क्या होती है? कुका मूवमेंट होती है। अब ये कुका मूवमेंट क्या होती है? ये एक रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट होती है, रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट। कुकास को नामदारी सिख भी कहते हैं। यह रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट है, कौन करता है? एस्टैब्लिश्ड बाय, सॉरी फाउंडेड बाय, कौन फाउंडेड करता है इसे? कौन फाउंड करता है? फाउंडेड बाय भगत जवाहरमल, फाउंडेड बाय भगत जवाहरमल जो है कुका मूवमेंट को कौन फाउंड करता है? भगत जवाहरमल। अब कुका मूवमेंट इनका एम क्या होता है? Their main aim was to overthrow British rule from Punjab and established Sikh sovereignty। मेन एम का क्या होता है? कि ब्रिटिश को ओवरथ्रो किया जाए पंजाब से और सिख रूल पंजाब में जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए। इस मूवमेंट को क्रश किया जाता है। मूवमेंट वॉज क्रश्ड बाय द गवर्नमेंट, द मूवमेंट वॉज क्रश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट।
ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, मूवमेंट को क्रैश कर देती है। अब इस टाइम में इनके टाइम बिहार में फैमिन होता है 1876 से 1874, बिहार फैमिन 1873 से 1874। अब इनके टाइम में क्या होता है, इंडिया में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया जाता है 1875 में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड, डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875 में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इंडिया में वो इस्टैब्लिश किया जाता है 1875 में। कब, कलकत्ता में, कहाँ पे, कलकत्ता में, कलकत्ता। उसके बाद इसको शिफ्ट किया जाता है, लेटर इट वाज शिफ्टेड टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो एस्टैब्लिश होता है नॉर्थ ब्रुक के टाइम में, वहां पे कलकत्ता में 1875 कलकत्ता, लेटर इट वाज शिफ्टेड टू। उसके बाद इसे शिफ्ट कहां किया जाता है, शिमला, शिमला के बाद पुणे, देन पुणे एंड फाइनली टू न्यू दिल्ली। उसके बाद कहां पे शिफ्ट किया जाता है, न्यू दिल्ली में, फाइनली टू दिल्ली। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश होता है 1875 में कलकत्ता में, उसे शिफ्ट किया जाता है शिमला में, शिमला के बाद उसे पुणे में, और पुणे के बाद जो है उस डिपार्टमेंट को शिफ्ट किया जाता है दिल्ली में। आज के जो है मैंने आपको ये करवा दी है चार वायसराय के बारे में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं।